नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल अंजीत एकेडमी। क्या आप भी ब्लूटूथ हेडफोन ईयरबड्स लगाने के शौकीन हैं? अगर हाँ तो आपने खतरे को बुलावा देना शुरू कर दिया है। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि ड्राइविंग करते समय, रोड क्रॉस करते वक्त, ऑफिस में, जॉगिंग के दौरान लोगों के कान में ईयरबड्स लगा रहता है। आप इस क्रेजीपन को देखकर चौंक जाएंगे। एक बेबी से लेकर बड़े बुजुर्ग हर एक उम्र के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वायरलेस डिवाइस से हियरिंग लॉस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इतना ज्यादा हो रहा है कि अमेरिका में अक्टूबर मंथ को नेशनल प्रोटेक्ट योर हियरिंग मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। सेंट्रल ऑफ डिजीज कंट्रोल अमेरिका के मुताबिक वहां 8 में से एक बच्चे की सुनने की क्षमता तेज आवाज के कारण डैमेज हो चुका है। लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं कि वो मौत के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इस बात का खुलासा एक रिसर्च में हुआ कि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ब्रेन कैंसर तक हो सकता है। दरअसल हुआ कुछ ये कि लोगों के बीच बढ़ते ईयरबड्स क्रेज को देखते हुए अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोराडो में केमिस्ट्री के प्रोफेसर जेरी फिलिप्स ने रिसर्च किया। इसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आया। फर्स्ट, ब्लूटूथ या वायरलेस गैजेट्स ब्रेन कैंसर को बढ़ावा देता है क्योंकि कान के पर्दे ब्रेन से जुड़े रहते हैं। ईयरबड से खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है जो ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। थर्ड, न्यूरोलॉजिकल और टिनिटस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, मींस हर वक्त भुन भुनाहट की आवाज सुनाई देना, इसको आम भाषा में बजिंग भी कहते हैं। फोर्थ, वायरलेस डिवाइस से ज्यादा यूज से मेमोरी वीक हो जाती है। फिफ्थ, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे ज्यादा खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईयरबड से भला कैंसर कैसे हो सकता है? आप इसके पीछे वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की मदद से काम करता है जिसे ये मोबाइल फोन को कनेक्ट कर पाता है। इससे काफी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रिक्वेंसी निकलती है जो हमारे ईयर सेल्स को डैमेज करती है। ईयर सेल्स को कितना नुकसान पहुंचता है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज, कितनी देर के लिए, कितनी बार लाउड साउंड सुनते हैं। साउंड के लाउडनेस को डेसीबेल में मेजर किया जाता है। यदि आप 85 डीबी से ज्यादा साउंड सुनते हैं तो हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ जाता है। आप जरूर जानते होंगे कि हेडफोन को फुल वॉल्यूम कर दे तो वो 110 डीबी के नियर बाय हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चिंताजनक क्यों है? इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बायो क्लास में। अगर एक बार इनर ईयर डैमेज हो गया तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगा, मींस अस्थाई और लाइलाज है। कानों के संकीर्ण रास्तों को ईयर कैनल कहते हैं। साउंड वेव इसी रास्ते होकर ईयर ड्रम यानी कि कानों के पर्दे तक पहुंचती है। जब साउंड वेव इस ईयर ड्रम से टकराती है तो इसे वाइब्रेशन पैदा होता है। बदले में ईयर ड्रम छोटे छोटे हड्डियों को वाइब्रेट करती है। ये हड्डियां मेलियस, इनकस और स्टेप्स होती है जो साउंड वाइब्रेशन को और ज्यादा लाउड कर देती है और कोकिलिया में भेज देती है। कोकिलिया साइज में मटर के दाने के आकार का होता है और बाहर से एक घेंघे के कवच जैसा दिखता है। कोकिलिया में एक फ्लूड भरा होता है जो साउंड वेव के साथ मिलकर तरंगे पैदा करती है। बालों की तरह एक चीज जिसे स्टेरियोसिलिया कहते हैं, हेयर सेल के ऊपर मौजूद होता है और कई स्टेरियोसिलिया मिलाकर बंडल के रूप में कोकिलिया के अंदर रहता है। कोकिलिया के अंदर मौजूद ये हेयर सेल वेव से प्रभावित होते हैं और हेयर बंडल हिलते हैं और ये हेयर बंडल इस मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। जैसी हेयर सेल हिलते हैं, आयंस हेयर सेल की ऊपरी परत की ओर जाते हैं जिसके कारण हेयर सेल के बॉटम पार्ट में
केमिकल रिलीज होता है जो ऑडिटरी नर्व से जुड़ जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन इन सिग्नल को साउंड की तरह महसूस करता है और समझता है। ईयरबड से जब हम तेज आवाज में सुनते हैं तो कोकलिया में मौजूद स्मॉल हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं और कोकलिया साउंड वेव को ठीक से दिमाग तक नहीं पहुंचा पाती है और हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। और मेरे प्यारे, यहाँ से शुरू होता है बहरेपन की कहानी। इन तमाम बातों को समझते हुए अब एक सवाल ये भी है कि खुद को इस रेडिएशन से कैसे बचाया जाए, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगा जिससे आपका हियरिंग लॉस का रिस्क कम से कम हो सके। टिप्स नंबर 1, आप ईयरबड्स के जगह पर वायर वाले हेडफोन और स्पीकर का यूज कीजिए। रीजन यह है कि ईयरबड्स कान के अंदर फिट होता है और पर्दे के नजदीक होने की वजह से इसकी साउंड 10 dB हेडफोन के मुकाबले लाउड होता है। नंबर 2, सोते समय फोन को अपने पास नहीं रखें। नंबर 3, आप अच्छी क्वालिटी मींस नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन का ही इस्तेमाल करें। 4th, आप 60/60 रेशियो रूल फॉलो करें, मींस आपके डिवाइस में वॉल्यूम 60% से ज्यादा ना हो और आप 60 मिनट से ज्यादा ना सुने। 5th, कुछ लोग हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं, ये बहुत ही रिस्की है, इसके लिए आप टाइमर का यूज करें। इस खबर को देखने के बाद कमेंट कर जरूर बताइए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी कब बरत रहे हैं।